सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेजेस स्टोरीज बाय हरीश। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ या आपसे शेयर करने वाला हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस अगर आप बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो किसी भी कंट्री में। तो बना वीडियो में एंड तक, बिना किस टाइम को वेस्ट किए टेक ऑफ करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पहले भी दो वीडियो बना चुका हूं, पर वो जो वीडियोस थी उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था कि दुबई में मेट्रो कहाँ जाती है, दुबई में बस कहाँ कहाँ जाती है, और एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें दोहा मेट्रो के बारे में मैंने बताया है। तो मेरे ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य, मेरा मुद्दा या मेरा आप कह सकते हैं टारगेट ये है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मैं पर्सनल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो गाइस मैं जब दुबई गया था, लाइक अगेन मैं दुबई से ही कंपेयर करूँ क्योंकि पाकिस्तान में मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा विजिट करके आया हूँ, मैं अंदर कंट्री में नहीं गया। तो अगर जाता तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपसे शेयर करता। या मैं इंडिया में अभी तक कहीं भी घुमा हूँ तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत यूज़ किया है। लाइक अगर आप विद फैमिली है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक दुबई में बात करें, अगर दुबई मेट्रो की बात करूँ तो वो सारे जो अट्रैक्शन है, पब्लिक अट्रैक्शन वहाँ पर जाती है। तो गाइस क्यों ट्रैवलिंग करें दुबई मेट्रो के अंदर, अगर आपको दुबई घूम रहा है तो फर्स्ट पॉइंट ही रहेगा कि सबसे कम किराया दुबई मेट्रो ही लेती है अगर आप दुबई में घूमना चाहते हैं। तो किराया इस तरह है, 4 दिरहम, 5 दिरहम, 6 दिरहम, मतलब जहाँ आपका काम 120 रुपये में मेट्रो के अंदर हो रहा है वहीं 400 से 500 रुपये आपकी कैब ले लेगी। आपकी जो कहते हैं अपन करीम है, जो उबेर है, ये 300 से 400 के बीच में अमाउंट तो लाती ही लाती है अगर आप 6 दिन तक ट्रैवल करते हैं कैब के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका होटल है, अगर अपन माने इंडियन एरिया में, लाइक अल करामा में आपका होटल है और आपको जाना है बुर्ज खलीफा, तो आपका जो टिकट प्राइस रहेगा वो रहेगा मेट्रो का 6 से 8 दिरहम। लेकिन वहाँ वहीं अगर अपन कैब की बात करें तो गाइस वो 300 से 400 रुपये आपसे ले लेगा। और अगर आप दुबई जा रहे हो तो बुर्ज खलीफा जाहिर सी बात है हर कोई जाएगा, दुबई मॉल हर कोई जाएगा, एक से दो दो बार जाएगा यार, क्योंकि जगह ही ऐसी है वो, दुबई मॉल आप 1-2 घंटे के अंदर तो घूम ही नहीं सकते, और बुर्ज खलीफा भी देखने लायक चीज़ है। तो अलग अलग टाइम पे आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फैमिली के साथ भी हैं तो भी मेट्रो ही प्रेफर करें, क्योंकि मेट्रो एक तो आपका टाइम सेविंग है और सेकेंड चीज़ आपका लो ऑन कॉस्ट पड़ेगा, बजट ट्रैवलिंग आप उसी में ही कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप मेट्रो नहीं चूज़ करते तो आप बस चूज़ कर लीजिए, बस भी किराया लगभग सेम है लेकिन टाइम बस ज़्यादा लगाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, एक तो आपका पैसा बचता है, दूसरा आपका टाइम बचता है, और तीसरा आप सिटी को ऊपर से एक्सप्लोर भी कर पाते हो। लाइक अगर आप मेट्रो की बात करें तो मेट्रो से लेफ्ट और राइट पे आपको ऑलमोस्ट दुबई देखने को मिल जाएगा। जब भी आप अगर एक पूरी ट्रिप लेंगे, लाइक अगर रशीद या से एहतियात की अगर आप पूरी ट्रिप लेंगे, एक पूरा फेज अगर आप लेंगे, तो आप देख पाएंगे दुबई को अच्छे से, एक्सप्लोर कर पाएंगे, और टाइम सेविंग तो है ही। तीसरा पॉइंट ये होने वाला है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है किसी भी कंट्री का है, किसी भी सिटी का, वो उसके हर टूरिज्म अट्रैक्शन को, हर घूमने वाली जगह को टच करता है। लाइक अगर अपन इंडिया में भी देखें तो दिल्ली की मेट्रो हर कहीं जाती है, मुंबई में मेट्रो बन रही है, जयपुर में बन चुकी है, लाइक मुंबई की मेट्रो में भी सेकेंड फेज चालू हो गया अगर आप देखें तो इसी तरह जहाँ भी आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको हर टूरिस्ट अट्रैक्शन पर ले जाएगा। तो ये एक और प्लस पॉइंट है कि यार अगर आप ऑब्वियसली सीधी सी बात है, यहाँ हम ट्रैवल पर्पस के लिए वीडियो देख रहे हैं, मैं भी ट्रैवल पर्पस के लिए बना बना रहा हूँ, तो अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको वहाँ की हर ऐसी जगह जो देखने लायक है वहाँ तक आपको ले जाएगा। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, आधा 1 किलोमीटर बस स्टेशन के लिए, मेट्रो स्टेशन के लिए, उसके बाद एक आध रिक्शा पकड़नी पड़ेगी छोटी मोटी, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट जर्नी आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो जाएगी। तो अगेन ये एक और फायदा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि एक तो आपका पैसा बचता है, दूसरा आपका टाइम बचता है मेट्रो की बात करें, और तीसरी बात करें तो अगर आप कहीं भी जा रहे हैं किसी भी कंट्री में तो वहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको ले जाएगा। ऑलमोस्ट मतलब की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 100% टूरिस्ट अट्रैक्शन में ना ले जाए, ऑलमोस्ट पे ले जाएगा। इससे पहले भी मैं दुबई पे 40 से 50 वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप मेरी नीचे चैनल में जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर वो हेल्पफुल है तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि वो सारे वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी, क्योंकि दुबई का शायद ये लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद मैं दुबई पर वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ जो न्यूज़ होगी उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। और आपसे एक सजेशन और लेना था कि अगर मैं आगे किस तरह की वीडियो बनाऊं, लाइक अगर आपको, लाइक आपने पाकिस्तान की सीरीज़ को बहुत पसंद किया, आपने दुबई की सीरीज़ को बहुत पसंद किया, तो मैं
वीजा से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं या टूरिस्ट ट्रैवल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊं या मैं व्लॉग्स बनाऊं, तो इन दोनों में से आप एक कमेंट करके बताइए कि सिर्फ व्लॉग्स चाहिए या सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, या दोनों का तालमेल बिठा के हम वीडियो बना सकते हैं कि महीने में 3-4 व्लॉग आ गए और 3-4 टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोस आ गए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट आगे चाहिए। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें तो मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय।